मैंने आपको बहुत सारे अलग अलग स्मार्टफोन की वीडियो दिए, पर आपके ज्यादातर कमेंट्स ये आते हैं कि भाई अंडर 10 के स्मार्टफोन लेकर आओ, क्योंकि काफी लोग अपने घर वालों को दिलाना चाहते हैं या फिर कोई फर्स्ट टाइम मोबाइल लेना चाहता है। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ पोको C61 5G, और इसके पीछे आपको ग्लास मिलता है जो कि 15-20 हजार के स्मार्टफोन आते हैं उनके अंदर भी नहीं मिलता है। और इस स्मार्टफोन को हमने ना यहाँ पे 10-15 दिन पहले ही बाय कर लिया था। फिर दोस्तों हम इसको अच्छी तरह से यूज करें, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा पोको के ऊपर हम ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए हमने सोचा कि यार एकदम इसको यूज करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि स्मार्टफोन आपके लिए सही है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी डिजाइनिंग के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे पीछे ग्लास तो मिलता ही है, पर दोस्तों यहाँ पे एकदम फ्लैट बनाया गया है, यानी कि यहाँ पे दिखने में काफी प्रीमियम लगता है। और जो यहाँ पे कैमरा का मॉड्यूल है ये भी थोड़ा यूनिक बनाया गया है, और कैमरा के साइड में देखोगे गोल्ड कलर यहाँ पे शो हो रहा है, और जो फ्रेम वगैरह है वो आपको प्लास्टिक की ही देखने को मिलती है। दोस्तों हम इसको बाहर लेके गए थे तो काफी लोगों ने पूछा कि भाई ये स्मार्टफोन कौन सा है। हमने उनसे पूछा कि भाई इसकी प्राइस क्या लग रही है, तो कोई बोल रहा है 15,000 का होगा, कोई बोल रहा है 20,000 का होगा, पर दोस्तों इसकी जो एक्चुअल प्राइस है जो पोको ने बताई है 6,999 रुपए। पर दोस्तों अभी आप इसको बाय करने जाओगे अमेजोन या कहीं पर भी, तो वहां पर आपको इसकी प्राइस मिलेगी 7,499 रुपए, यानी कि 7,500 तक ये आपको आराम से मिल जाएगा। पर यार पोको के अंदर मुझे कमी ये मिली कि इसके बॉक्स के अंदर आपको ना कवर नहीं मिलेगा, और दोस्तों आपको पता होगा पोको के जो कवर्स है ना मार्केट के अंदर बहुत कम मिलते हैं, मतलब ढूंढने पर भी नहीं मिलते। हमने बड़े बड़े मार्केट के अंदर भी ट्राई किया तो कवर मुझे कहीं पर भी इसका नहीं मिला। और दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पे ना स्क्रीन के ऊपर कोई भी यहाँ पे पन्नी वगैरह नहीं लगाई हुई है, तो जब भी आप इसको परचेस करो तो सबसे पहले इसके ऊपर कोई भी ग्लास वगैरह लगा लेना, नहीं तो आपके स्क्रेचेस वगैरह आ जाएंगे। हाँ पोको ने ना यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन दी है इस प्राइस के अंदर भी, पर दोस्तों फिर भी यहाँ पे स्क्रेचेस वगैरह आ जाएंगे, तो सबसे पहले आपको ग्लास लगा लेना। और इसके अंदर आपको एक बड़ी सी डिस्प्ले मिलती है 6.71 इंचेस की HD+, और इसके अंदर ना आपको 90Hz रिफ्रेश रेट मिलती है, 180Hz टच सैंपलिंग रेट मिलती है। पर दोस्तों इसके अंदर वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले है, अगर यहाँ पे पंच होल होती है तो जब भी हम कंटेंट वगैरह देखते हैं तो काफी अच्छा लगता है, और अगर आप धूप वगैरह में चलाना चाहोगे ना तो 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, तो यार अगर आप धूप वगैरह के अंदर भी चलाओगे तो आपको कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। अगर इसका वेट देखोगे ना तो 201 ग्राम के आसपास है, क्योंकि इसके पीछे आपको ग्लास मिलता है। और दूसरी चीज दोस्तों इसके अंदर ना आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, इसलिए वेट थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा भारी महसूस होता है जब भी आप हाथ के अंदर लेके रखते हो। और दोस्तों यहाँ पे इसके अंदर 10W का चार्जर मिलता है जो कि बॉक्स के अंदर मिल जाते हैं, यानी कि चार्जर आपको अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा। और अगर इसके अंदर प्रोसेसर देखोगे तो मीडियाटेक हीलियो Z36 मिलता है जो कि 12nm पर बेस्ड है। देखिए अगर आप चाहते हो कि यार मुझे ना 8000 के अंदर अच्छी खासी गेमिंग करनी है, तो देखिए ये गेमिंग वगैरह को ज्यादा टारगेट नहीं करता है, क्योंकि इस प्राइस के अंदर आपको कोई भी ऐसा स्मार्टफोन नहीं मिलेगा जिसके अंदर आप हाई लेवल की गेमिंग कर सको। जब भी आप ज्यादा यहाँ पे गेमिंग वगैरह करने की ट्राई करोगे तो दोस्तों आपका मोबाइल हीट होने लग जाएगा। तो ये जो स्मार्टफोन्स होते हैं जो अंडर 10 के होते हैं दोस्तों, वो ना यहाँ पे ओवरऑल अच्छे बनाए जाते हैं, यानी कि आपको नॉर्मल कॉल वगैरह, यूट्यूब पर पढ़ाई वगैरह करनी है या फिर नॉर्मल आप रील्स वगैरह देखते हो तो ठीक है, पर दोस्तों आप ज्यादा गेमिंग वगैरह करोगे तो हीटिंग का इश्यू मिलेगा। और इसके अंदर आपको जायरोस्कोप का सपोर्ट नहीं मिलता है, अगर आप BGMI या फिर फ्री फायर वगैरह खेलोगे तो जायरोस्कोप इसके अंदर नहीं है। और दोस्तों इसके अंदर ना आपको LPDDR4X रैम मिलती है, स्टोरेज देखोगे तो eMMC 5.1 मिलती है, जबकि दोस्तों ये स्टोरेज होने के बाद भी ना आपको वर्चुअल रैम भी देखने को मिल जाती है, यानी कि आप रैम वगैरह को भरा सकते हो। जब भी आपको लगे कि यार मेरा मोबाइल थोड़ा अटक रहा है, थोड़ा हैंग हो रहा है, तो आप रैम को बढ़ा लीजिए। और मुझे जो इसके अंदर सबसे अच्छी चीज लगी वो ये कि दोस्तों इसके अंदर ना आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 मिलता है, और 2 साल के इसके अंदर मेजर अपडेट देखने को मिलेगा, यानी कि एंड्रॉइड 15 भी मिलेगा और एंड्रॉइड 16 भी मिलेगा, और 3 साल के आपको सिक्योरिटी अपडेट्स भी देखने को मिलेंगे। जबकि आप दूसरे स्मार्टफोन के अंदर देखोगे इस प्राइस के अंदर तो 1 साल का ही अपडेट आपको जो मेजर अपडेट है वो मिलता है, पर इसके अंदर आपको 2 साल के मेजर अपडेट्स मिले। पर जो सबसे बड़ी कमी है वो दोस्तों ये कि ये ना आपको 4G के अंदर मिलने वाला है। मैं ये कहता हूं कि अगर पोको इसके 1000 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ा देते पर 5G के अंदर बना देते तो यार मजा आ जाता। पर दोस्तों आपको एक नॉर्मल स्मार्टफोन चाहिए ना, जो आप अपने घर पे देना चाहते हो नॉर्मल कॉलिंग वगैरह के लिए, या फिर आप अपने बच्चों वगैरह को देते हो यहाँ पे पढ़ाई वगैरह के लिए, तो दोस्तों आप इसकी तरफ जा सकते हो। अगर आप पहले से कोई फोन यूज कर रहे हो, जैसे कि आप 15,000 रुपए का फोन यूज कर रहे हो पहले,
और दोस्तों अब आप इसको लोगे तो ये ना आपको थोड़ा स्लो लगेगा। तो आप ना ये फोन तभी लेना जब आप मतलब पहली बार ले रहे हो फोन, या फिर अपने घर वालों वगैरह को दिलाना चाहते हो, क्योंकि दोस्तों हम ना आपको एक होनेस्टी यहाँ पे रिव्यू देने की ट्राई करते हैं। हमसे जितना हो सके दोस्तों हम आपके पैसे बचाने की ही ट्राई करते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में। तो इसके पीछे आप देखोगे ऐसे लग रहा है दो कैमरा, कैमरा एक ही है, दूसरा यहाँ पे AI सेंसर दिया गया है, और जो मेन कैमरा है ना वो 8 मेगापिक्सल का है, और सेल्फी कैमरा मिलता है आपको 5 मेगापिक्सल का। तो दोस्तों यहाँ पे कैमरा से हम ज्यादा उम्मीद तो नहीं कर सकते, पर हमने काफी सारी फोटोज क्लिक की है, तो प्राइस के हिसाब से आप देखोगे ना तो यहाँ पे काफी अच्छी फोटो निकल कर आ जाती है। पर दोस्तों आपको मतलब सिर्फ और सिर्फ कैमरा के लिए स्मार्टफोन चाहिए, आपको अच्छी खासी फोटोज वगैरह ही लेनी है, तो आपको थोड़ा बजट बढ़ाना पड़ेगा, फिर दोस्तों आप किसी दूसरे स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। पर दोस्तों प्राइस के हिसाब से देखोगे तो इस प्राइस के अंदर आपको ऐसा कोई दूसरा स्मार्टफोन नहीं मिलेगा जो इसके कैमरे को टक्कर दे सकता है। और अगर आप वीडियोस वगैरह बनाना चाहते हो तो 1080 FPS पर वीडियो बना सकते हो फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों से, तो ये भी अच्छी बात है कि यार इस प्राइस के अंदर आपको 1080 का ऑप्शन मिल रहा है, वो भी फ्रंट और बैक कैमरा दोनों के अंदर। तो यार दोस्तों इसके अंदर जो चीजें थी वो हमने आपको बता दी है, अब आपको डिसाइड करना होगा कि ये स्मार्टफोन मतलब आपके लिए सही है या नहीं है। तो फिर से दोस्तों मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर आपको नॉर्मल यूजेज के लिए लेना है, या फिर आप पहली बार कोई स्मार्टफोन ले रहे हो, या फिर किसी को दिला रहे हो, या फिर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हो, तो दोस्तों आप इसकी तरफ जा सकते हो। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ गेमिंग करनी है, आपको हेवी यूज के लिए लेना है, तो दोस्तों आपको थोड़ा बजट बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पर आज पहली बार आए हो ना तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, ताकि ऐसे कोई भी होनेस्ट वीडियो जो है उसको मिस ना कर पाओ। मिलता हूं मैं आपसे इस नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।